तो सुबह 9 बजे, क्या बात है। हाँ, एक दो दिन से नजर लग गई थी, बट अभी सब ठीक है बच्चों। सो वेलकम टू द 9 o'clock सेशन विद जी स्क्वायर, ओनली ऑन विदांत नीड मेड इजी चैनल। आपकी अपनी जी स्क्वायर इज हियर बच्चों, और आज हम करने वाले बहुत सारा फन, क्योंकि आज है मेंटी क्विज ऑन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोलॉजी। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? यस बच्चों, कैसे हैं आप सब? सुपर ऑसम। तो आज हम बहुत ही अमेजिंग करने वाले, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें हर 5 क्वेश्चन के बाद एक लीडर बोर्ड आएगा। लीडर बोर्ड पे आने के लिए बच्चों थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस बच्चों, मेरी फोटो थोड़ी ब्लर आ रही है क्या? ऐसा ऐसा मैम, आप ब्लर हो, ऐसे मत कहो यार, अभी अभी ठीक हो जाऊंगी। यस, ओ माई गॉड, बच्चे कह रहे मैं ब्लर दिख रही हूँ। ओहो, ये कैसे हुआ बच्चों? अभी ठीक हो जाएगा। यस, अभी ठीक हो जाएगा। बहुत ब्लर, अच्छा मैम ब्लर, यस मैम, नैन्सी ब्लर दिख रही है मैम। कोई नहीं, अभी सही ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैमरा साफ करोगे बेटा? कपड़ा लेके आओ और अपना कैमरा साफ करो। हाँ, लगता है कि आज ना डस्टिंग नहीं हुई, कैमरा साफ नहीं हुआ बच्चों, और धूल आ गई। तो सबसे पहले आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी सभी मेरे प्यारे बच्चों को ईद मुबारक। आज आप बहुत सारा इंजॉय करना, ठीक है, बहुत सारे इंजॉय करना बच्चों, बिल्कुल मचा देना। आज ऐसे इंजॉय करना कि बस आज ही है हमारा सारा फन, ठीक है। यस बच्चों, अभी ब्लर ठीक हो जाएगा यार, सही हो जाएगा। वो इंटरनेट इश्यू हो जाता है तुम्हें पता है ना, 3 दिन से मैम कितना स्ट्रगल कर रही है अपने इंटरनेट को लेके बच्चों, ठीक है। अरे यार कोई नहीं, कुछ कुछ दिन ना ऐसा होता है मेरे बच्चों, ऐसा होता है। कई बार जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो ब्लर ही दिखती हैं, है ना। यस, तो बच्चों ये हमारा वेदांतु नीड मेड इजी चैनल, जिसको आपने करना है सब्सक्राइब। अभी मैम ठीक हो जाएगी, जैसे इंटरनेट की स्पीड और अच्छी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। यस, तो सब्सक्राइब करते वक्त क्या, कैसे कैसे क्लिक करना है बच्चों इस बटन पे? प्यार के साथ, तो प्यार से आओ, प्यार से इस फैमिली का हिस्सा बनो, और प्यार से सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल पे, ठीक है। फोकस चेंज हो गया। अच्छा बेटा, ये ना जो तुम अपने ये तुक्के लगा रहे हो ना चैट बॉक्स में, अरे मैम यू नो कि ब्लर हो मैम, वो ना फोकस चेंज हो गया होगा आपके इसका कैमरे का, मैम आपने ना साफ नहीं किया ढंग से, तो ये सब चीज़ें ना नलायक को बस करो। यस, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसपे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि सैटरडे का कोड आज मैंने मेंशन भी किया था, तो वही है आपका आज का कोड बच्चों। जल्दी से एक बार कोड लिख दो चैट बॉक्स में, जिससे बाकी बच्चों का भी भला हो जाए, जल्दी से वो मेंटी क्विज ज्वाइन कर ले। तो इसलिए हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और जो आज भी ये सोच रहा है ना कि नहीं अभी मेरा मौका आएगा, ठीक है, यस अभी मेरा मौका आएगा बच्चों, मौका आ गया मेरे बच्चों, मौका आ गया, और कितने मौके आएंगे यार, है ना, और कितने मौके आएंगे, आ गया बच्चों मौका। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों? यस, तो इसके लिए हमें लेना है क्रैश कोर्स, विच इज यू नो दिस लिंक इज गिवन देयर, उस पर क्लिक करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से पढ़ना है बच्चों, अगर जुनून है कुछ करने का, सो दिस इज योर चांस टू हिट योर जुनून, ठीक है। अपने जुनून को ललकारो मेरे बच्चों, ललकारो, और पूछो अपने आप से कि क्या मेरी प्रिपरेशन औसम है, क्योंकि 13 सितंबर को शो डाउन है ना बच्चों। तो उस दिन की तैयारी क्या मेरी पक्की है या नहीं, क्या मुझे अपने सबसे अच्छे टीचर्स की जरूरत है या नहीं? तो यस ऑफकोर्स यू कैन डू दिस बाय ज्वाइनिंग आर क्रैश कोर्स, ठीक है बच्चों। अलग ही लेवल की बच्चों की बातें चल रही है। यस ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रो सब्सक्रिप्शन भी है, या आपके जूनियर्स के लिए है। आपके लिए तो क्या बच्चों, आप तो पढ़ ही चुके हो, तुम सब कुछ यूट्यूब पे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्रो सब्सक्रिप्शन है, जीए प्रो आपने कोड लगाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड यू कैन टेक अ लॉन्ग टर्म बैच ऑफ वेदांतु, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो ऑन garma.goel@vedantu.com, दिस इज माई ईमेल आईडी। बच्चे कह रहे हैं मैम अपना कैमरा क्लीन कर लो, चलो बच्चों कर ही लेती हूँ यार, है ना। अब देखो ऐसे दुपट्टा बेटा क्या क्या काम कराते हो यार तुम मुझसे यूट्यूब पे। चलो उससे पहले कल मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट नहीं देखेगा पाप, पाप लगेगा पाप। यस बच्चों, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, एंड डाउनलोड द वेदांतु ऐप बच्चों। एंड दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द डे, आज तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है 1:30 पे, जिसमें मैं और आपके सारे बेहतरीन टीचर्स हम सब मिलेंगे आपस में, ठीक है। एंड बच्चों अब आई थिंक इसी घड़ी का था हमें इंतजार, राइट। रंजन जी व्हाट हैज हैपेंड, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यों इतना ब्लर दिख रहे हैं। यहीं पे कुछ फोकस में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लग रहा है। यस,
तो बच्चों एक बार ना इस फोकस का कुछ करना पड़ेगा। व्हाट इज हैपन टू द कैमरा रंजन जी? यार नेट की स्पीड बिल्कुल सही आ रही है, बट बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है, तो आई थिंक वी नीड टू चेक इट वंस। यस बताइए रंजन जी, हमें क्या करना चाहिए? बेटा एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं यार, एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं। यस वी आर टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस हियर, रंजन जी की एक्सपर्ट एडवाइस हम ले रहे हैं। कैमरा भी क्लीन कर दिया मैंने अपना। नहीं यार बच्चों अभी भी यार फोकस नहीं आ रहा है, ब्लर आ रही है मैम, क्या किया जाए बच्चों? यस क्या किया जाए? चलो अब ऐसे ही पढ़ लेते हैं बच्चों, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अब कर ही क्या सकते हैं बच्चों, कोई नहीं। यस फोकस सेटिंग सब कर लिया बच्चों, सारी सेटिंग डन हो गई है। तो बच्चों ये है हमारा काउंटडाउन शुरू, 3925 80 हमारा कोड है, जल्दी से बच्चों यू कैन ज्वाइन द क्विज। ज्वाइन कर लिया सबने? यस बच्चों जल्दी बताओ, एवरीबडी हैज ज्वाइन इट, जल्दी जल्दी। यस कम ऑन बी क्विक बच्चों। तो यहाँ पे एक बार हम सेटिंग्स देख लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है यार सुबह सुबह ना, प्यार से बोल लो जय माता दी। ओके आई थिंक वी आर डन, तो एंटर करते क्विज बच्चों, लेट्स डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल टूडे। ठीक है एंटर, सो हियर कम्स अ क्वेश्चन नंबर वन बच्चों ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर वन जी जी स्क्वायर। थैंक यू बच्चों, विच ऑफ दीज पेयर इज करेक्ट, आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। शार्क एंड सकर फिश जो है इनका आपस का रिश्ता प्रेडेशन कहलाता है, एल्गी एंड फंजी इन लाइकन्स इस रिश्ते को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं, कस्क्यूटर ग्रोइंग ऑन अदर फ्लावरिंग प्लांट्स एपीफाइटिज्म बोलते हैं। तो बच्चों कौन सा रिश्ता बिल्कुल ठीक है ये हमें पता करना है, सो क्विकली गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द राइट आंसर। यस 5 4 3 2 1। अरे 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 नजर ना लग जाए, पहले सवाल में 84% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया एंड इट इज अ सुपर हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो शुरुआत तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन हुई है, अब चलते क्वेश्चन नंबर टू पे, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू बच्चों। द ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी रिगार्डेड एज पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे बच्चों पड़ती है, वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम या बायोम? यस रुचि खुशी प्रिंसी एवरीवन इन द चैट बॉक्स, 10 सेकंड बचे हैं बच्चों, बिल्कुल आप लोग मचा सकते हैं। यस यू कैन नेल दिस क्वेश्चन, सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? टाइम्स अप। तो यहां पे लोकतंत्र आता हुआ बच्चों, इट इज 46% बच्चों बिल्कुल सही आंसर दिए इकोसिस्टम। अरे मेरे नालायको कल ही तुम्हें बताया था कम्युनिटी इज ऑल अबाउट डिफरेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? व्हेन देयर इज ओनली वन स्पीशीज यू नो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ प्लेस। इकोसिस्टम इज बेसिकली व्हेन यू नो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम वुड बी द राइट आंसर। तो नलायको ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी अनुराधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं फॉर अ पॉपुलेशन, तो बच्चों रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप कर्व, लाइफ टेबल, एज पिरामिड और लॉजिस्टिक मॉडल। तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हेलो शिवा बहुत ही सही जा रहे हो बच्चों, बहुत ही सही जा रहे हो। यस एज पिरामिड बोलते हैं, ऐसा 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 काफी सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब देते हुए। धीरज ने भी सही आंसर दिया यार। सोनू स्वैगर नाम तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, सोनू स्वैगर मानना पड़ेगा। मैम आपका चेहरा धुंधला दिख रहा है बच्चा, कई बार अच्छी चीजें धुंधली दिखती है। 90% क्या बात है यार बच्चों, आज तो लग रहा है बिल्कुल मचाने के मूड में आयो। यस आज तो लग रहा है बिल्कुल मचाने के मूड में आयो। द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एज पिरामिड्स। बेहतरीन जवाब बच्चों, बेहतरीन जवाब। अभी तक दो क्वेश्चन में तुमने बहुत अच्छे से मचाया है, नाउ हियर कम्स अ फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर लिस्ट। ठीक है Now, which of these is a correct sequence of the four levels of biological organization in ecology? तो बच्चों ascending order याद है, कल की LMR की पहली slide थी बच्चों ये।
तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग का मतलब समझते हो ना बच्चा, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा यूनिट एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन होता है, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर लैंडस्केप या कम्युनिटी होता है, फिर पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, स्पीशीज, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोम। सो विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन असेंडिंग मैनर बच्चों? अरे बच्चों कैमरा क्लीन है, नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे बच्चों। आज तो 76% बच्चों ने फिर से सही जवाब दिया है बच्चों। ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलके बनता है कम्युनिटीज। जब ये कम्युनिटीज किसके साथ इंटरेक्ट करती है, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ करती है, तब हम उसे कहते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद आता है बायोम, उसके बाद लास्ट में आता है आपका बायोस्फियर, राइट बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अ ब्रॉड बेस्ड पिरामिड शेप्ड एज पिरामिड स्ट्रक्चर। बेटा ब्रॉड बेस है, ठीक है, शेप्ड एज पिरामिड स्ट्रक्चर। बच्चों मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक दिस क्वेश्चन, इसके बच्चों ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है, मेंटी भी सेंटी हो गया। यस बच्चों इस क्वेश्चन को मुझे लगता है दिस शुड नॉट बी अटेम्प्टेड, तो इसको क्या करें, आगे कर दिया जाए वरना आप लोग के मार्क्स कट जाएंगे। सो लेट्स टेक दिस अहेड बच्चों, क्योंकि ऑप्शन आर नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लीडर बोर्ड देखते हैं बच्चों, पहला लीडर बोर्ड यहाँ पे आ चुका है। यस, सो हियर वी हैव ऑन द टॉप टू यू रूपाली, देबांजन, अंकुर, लोका, तन्वी, दक्षांशी, वेरी नाइस नेम बच्चों, हर्षित, वन पंच मैन एंड नीट फोड़ेंगे, बिल्कुल नीट फोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओ भाई, ओ भाई, सौम्य, ओ भाई ये क्या हो गया, ओ भाई। यस, सो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ओपंशिया हैज स्पाइन लाइक लीव्स विच हेल्प इन। ओपंशिया आपको पता है कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट एरिया में मिलता है। इसकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, क्यों होती है और किस तरह की मदद करती है? पहला, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन की रेट को बच्चा घटाता है, ठीक है। दूसरा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन बढ़ाता है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कल भी मैंने बताया था बच्चों, आज भी बताऊंगी वापस, बट उससे पहले तुम्हें जवाब देना होगा। लेट्स डू 90%, 90% का खेल खेलेंगे इस बार, क्या कहते हो? So 83% बच्चों, wow, I think I love this बच्चों, 83% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, that is reducing the rate of transpiration। तो बच्चों transpiration रोकने के लिए, water loss को रोकने के लिए जो leaves है वो spines में convert हो जाते हैं, और basically photosynthesis अब stem part करता है उपंचिया में, not the leaves, okay? बिल्कुल सही नैंशी, खेमो, yes। So here comes the next question बच्चों, lichens are association of, lichens किस चीज के associations है? Bacteria and fungus, algae and bacterium, fungus and algae, algae and virus। अरे बच्चों इसमें तो मुझे लगता है ना कि आराम से 90% तो क्रॉस है, और अगर इसमें भी 90% क्रॉस नहीं हुआ ना तो हम बैक को करेंगे पैक और चल पड़ेंगे। गार्गी मैम, वन रिक्वेस्ट दैट पूरा इकोलॉजी आप ही पढ़ाओ। बेटा गार्गी दिल से इच्छा है तुम्हें सब कुछ पढ़ाने के बच्चों, बट बात को समझो। यस बच्चों आज एक तो मैं ब्लर हो गई हूँ, पता नहीं क्यों मेरे एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहे मेरे बच्चों को। यस, हलवंती सवाल, तो हलवंती सवाल को हमने कर लिया है पार विद 90%, बट भूलना मत बच्चों अभी भी कुछ 10% हमारे बीच में क्रिप्टोनियंस हैं जिन्होंने बैक को कर लिया है पैक और चल पड़ेंगे अब मेरे साथ, है ना बच्चों? Now question number 8 बच्चों, here comes a question number 8, which of these would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? अगर बच्चों हमें given habitat में population density घटानी है तो कौन से factors ऐसे होने चाहिए? Natality ज्यादा होना चाहिए mortality से, immigration ज्यादा होना चाहिए emigration से, मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मैंने आपको बताया था ये वही लोग होते हैं जो NRI होते हैं बच्चों, याद है कल के सेशन में समझाया था, NRI वाले लोग जो आके इंडिया में क्या कहते हैं, ओह मैंने तो बस बिस्लेरी वाटर ही पींदा है ना, हाँ बस मेरे को तो बिस्लेरी वाटर ही चाहिए, नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते अब हम,
यस, धरती से नहीं आए, दूसरे गोला से आए, वही होते हैं इमिग्रेंट्स। तो बच्चों, अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाना है तो यहाँ पे आपको मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Which of these is not an example of prey-predator relationship? कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है प्रे प्रिडेटर का? ठीक है, टाइगर ईटिंग अ डियर, ठीक है, शेर खा गया हिरन को, प्लांट निपेंथिस ट्रैपिंग एन इंसेक्ट, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, क्रोकोडाइल किलिंग अ मैन। यस माही गर्ग, मैम मी फ्रॉम आगरा पेठा and lots of love for you. Thank you, Mahi. And you know, a lot of love from G Square also. Hi, Yashika. And mostly correct answer C है. Yashika, ये तुमने क्या बता दिया? Kryptonians को पता लग जाएगा यार. ये कौन से बच्चे थे? ये 16% बच्चे कह रहे crocodile killing a man is not a prey and predator relationship. कैसे भाई? कैसे? नहीं, crocodile दोस्त है तुम्हारा बच्चों? बताना जरा. Crocodile दोस्त बना रखा है तुम लोगों ने? जो ये प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप में नहीं आएगा, दोस्त है तुम्हारा, क्या बुलाते हो उसको? हाय क्रोको, हाय क्रोको, वेलकम क्रोको, ऐसे बुलाते हो? बड़ा अच्छा दोस्त है यार तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो प्रे और प्रेडेटर रिलेशनशिप में नहीं फंस रहा ना। ओके हाय क्रोकोस। ओके टाइगर ईटिंग अ डियर, अरे बच्चों ये तो कहानियों से पढ़ रहे, बचपन की कहानियां है ये तो। हाँ बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, बच्चों ये तो डिकम्पोजर वाला काम हो गया ना, तो बच्चों ये ऐसे दोस्ती मत किया करो क्रोकोडाइल वगैरह से, शोभा नहीं देता ये सब। हाँ अपने अपने जैसे लोगों को दोस्त बनाओ बच्चों, ये मगरमच्छ को मत बनाओ, उनके आंसू भी बड़े खतरनाक होते हैं। अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर, जो अमेंसलिज्म है ये किस तरह का रिश्ता है बच्चों? यस, किस तरह का रिश्ता है अमेंसलिज्म? एक स्पीशीज को नुकसान होता है तो दूसरे को फायदा होता है, एक स्पीशीज को हार्म होता है तो दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक स्पीशीज को क्या होता है बेनिफिट होता है दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्पीशीज को ही नुकसान होता है। सो बच्चों ये रिश्ता क्या कहलाता है? अमेंसलिज्म के बारे में आपको बताना है। मैंने इसकी आपको स्टोरी भी बताई थी, यस ब्रेकअप स्टोरी बताई थी ना मैंने तुम्हें, यस वही वही वही, दिमाग लगाओ जरा यहाँ पे, क्या कहलाता है बच्चों ये रिश्ता? अरे बिल्कुल सही, 834 बच्चों बिल्कुल सही आंसर दिया, 72% बच्चों ने, कि बच्चों एक स्पीशीज को होगा दुख दूसरे को कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक है बच्चों, जो पहला वाला रिश्ता है दिस इज कॉल्ड पैरासिटिज्म और प्रेडेशन, ये जो थर्ड वाला आपका जो 18% बच्चों ने बोला है, तो बच्चों एक कमेंसलिज्म है, और ये वाला आपका कॉम्पिटिशन है। तो अब आते हैं हम लीडर बोर्ड पे। हाय क्रोकोस, पहले तो उन बच्चों को मैं सलामी ठोकती हूँ जिन्होंने आज मुझे पता लगा कि क्रोकोडाइल दोस्त बना रखे हैं यार, सलामी है उन बच्चों को सुबह सुबह जी स्क्वायर की तरफ से। टू यू अंकुर, दिपंजन, लोका, तन्वी, आदिति, डे लाइट, नीट फोड़ेंगे, हर्षित एंड डॉक्टर प्रेरणा। तो काफी लीडर बोर्ड चेंज हो गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। पांच सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। The maximum possible number of individuals that a habitat can support is called its. बच्चों maximum number, इसकी भी story कल मैंने आपको पूरी explain की थी जब मैं logistic curve आपको समझा रही थी, कि जब maximum carrying capacity, sorry maximum जब लोग हो जाते हैं एक area में तो क्या बोलते हैं? Fecundity, surviving ability, carrying capacity, biotic potential, क्या कहते हैं बच्चों से? कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। तुम लोग भी तो बिस्लेरी ऐसे नहीं कहते? ओ माय गॉड आई नीड बिस्लेरी वाटर। यस बच्चों, बेटा सुहेल आपको ईद मुबारक, अगर आप सेशन को स्टार्टिंग से देखोगे ना, मैम ने आपको सारी विशेस दी थी ईद की। यस तो 942 बच्चों ने मेरे को सही जवाब दिया है, दैट इज बच्चों 81% मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। बच्चों सर्वाइविंग एबिलिटी ये नहीं होती, ना ये बायोटिक पोटेंशियल होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों। यस, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर आर कॉल्ड, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है बच्चों जो अपना शरीर का तापमान कांस्टेंट रख पाते हैं? ठीक है, डू दे कॉल होम्योथर्म्स,
पॉइकिलोथर्म्स, ओलिगोथर्मिक और हेट्रोथर्मिक, क्या बुलाते हैं बच्चों? यस, कौन से हैं बच्चों वो एनिमल्स? कल मैंने आपको इनके तीनों नाम बताए थे। यस, अपन बिल्कुल देसी है बच्चों। यस बच्चों, देसी ही रहना, घमंड नहीं करना कभी भी। यस ओके, होमियोथर्म्स। 1007 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट भूलना मत 10% बच्चे जो बिल्कुल तैयार है। ये तो ठान क्या है कि नहीं मैम हम आपको भी लेके जाएंगे, मार जाएंगे, दूसरे गोला पे जाएंगे। यस बिल्कुल, डॉक्टर इज माई लाइफ एम तो कह ही रहा है, मैम आई वांट टू कम मार्स, आई डोंट वांट टू लिव हियर, आए मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा सेक्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है बच्चों? कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। तो कल मैंने आपको फोटोज दिखाई थी और मैंने आपको चार ये भी बताए थे कि जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? कम्युनिटी के, बायोम के, इकोसिस्टम के या पॉपुलेशन के? यस बच्चों, तो ये किसके एग्जाम्पल है? डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, तुंद्रा, वट एवर यू कॉल बच्चो। थैंक यू प्रगति, नो वर्षा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखो गड़बड़ किया बच्चों ने, इकोसिस्टम और बायोम्स के बीच में। दिस इज बायोम बच्चों, बायोम एक वो स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। बायोम इज बेसिकली अ सुपीरियर हायरार्की, ठीक है? बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ कहलाते हैं बायोम, और इस बायोम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सेम रहता है। तो एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर बहुत सारे इकोसिस्टम पनप रहे होंगे, उसको बोलते हैं बायोम, ठीक है? एंड दीज डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, हियर कम्स अ क्वेश्चन नंबर 14। अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड हैपन टू द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स? बच्चों यहाँ पे क्या है ना, बूढ़े लोग कम हैं, वरिष्ठ नागरिक थोड़े कम हैं, और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसी पॉपुलेशन में क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि ये पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन करेगा कुछ सालों बाद, या पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, या पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, या पहले वो डिक्लाइन करेगा और फिर बढ़ेगा? तो आपको क्या लगता है बच्चों, व्हाट कैन बी द बेस्ट आंसर? सोचो सोचो सोचो, अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ बच्चों, अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ। तो यहाँ पे बच्चों इट वुड इंक्रीज, तो ये आपका एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन बता रहे हैं बेसिकली, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो इंडिया में आपको देखने को मिलता है। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो आप देखेंगे जो बेस पे जो पीपल है, जो मैक्सिमम नंबर है, वो किसका? प्री रिप्रोडक्टिव एज का है, और जो हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है वो सबसे कम है। सच अ पॉपुलेशन कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपैंडिंग टाइप। और जो ग्राफ हमें मिलता है दैट इज अ पिरामिडल शेप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, पैरामीटर्स रिलेटेड टू एज स्ट्रक्चर इंक्लूड फेकेंडिटी, जनरेशन टाइम, डेथ रेट, ऑल ऑफ दीज। तो कौन कौन से बच्चों पैरामीटर्स है जो एज स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं? क्या वो फेकेंडिटी होता है, जनरेशन टाइम होता है, डेथ रेट होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? यस बच्चों, यस बच्चा गार्गी, यस। A mensalism is negative zero relationship. Varsha, yes, I don't watch it, bacha. I'm taking class always. Oho, oho, mere lal, mere bacho, 92% nazar na lag jaye. Bhokal hai G square ke bacho ka. Hai bacho, bilkul bhokal. But wo bhokal session ko like karke bhi macha do. Yes. 92% में बच्चों एक लाइक तो बनता है यार, है ना? लेट्स मेक 1K लाइक्स बच्चों, हिट द लाइक बटन एवरीवन बच्चों। तो लीडर बोर्ड पे यहां पे बहुत ही बढ़िया लीडर बोर्ड है बच्चों। सो टू यू अंकुर, तन्वी, डे लाइट, हर्षित, डॉक्टर प्रेरणा, जोहाना मैथ्यू, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, डॉक्टर पंक्ति पाठक। ओके तो बच्चों वैसे मैं नाम चेंज कर देती हूँ, बट यू
बट ठीक है, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हो टीचर्स को, आई रियली लव इट, बट आप यहाँ पे अगर लिखते ना वेदांतो इज बेस्ट, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। कृतिका, कृतिक, ऑल इंडिया रैंक वन, वेरी गुड बच्चों। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन डायनेमिक्स। कम ऑन बच्चों, यस व्हाट इज इट बच्चों, यही पूरा इक्वेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बहुत प्यारा सवाल है, वी कैन क्रॉस 90% इन दिस क्वेश्चन एज वेल। आज तो भाई, आज आज जैसे मेंटी कभी नहीं देखा मैंने, मैंने नहीं देखा आज जैसे मेंटी, ऐसा मेरा मेंटी बिल्कुल हिला दिया तुम लोगों ने कि अब आन दो मैम। यस, अब आने दो। हाँ बच्चों, आई एम ब्लर बट द क्वेश्चंस आर परफेक्टली फाइन, तो आज थोड़ा सा ध्यान सवालों पे दो ना कि जी स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों। अडेप्टेशन में भी क्या हो सकता है, अडेप्टेशन बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑल ऑफ दीज। एनसीईआरटी की फिर से लाइन बच्चों, एनसीईआरटी की फिर से लाइन आ चुकी है, एनसीईआरटी की लाइन है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी मचाने वाला है, एंड वी वॉन्ट 1K लाइक्स। ऑल माई 1200 स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन बच्चों। फोड़ दिया, फोड़ दिया, फोड़ दिया, ये वाला सवाल भी फोड़ दिया। क्या लगता है बच्चों, क्या 92% से ज्यादा जाएगा इस बार स्कोर? व्हाट डू यू थिंक बच्चों? मुझे तो लगता है, मुझे तो फील आ रहा है, यस यस सनित, 97% बच्चों, आई एम सो हैप्पी। मतलब 90% मेंटी का स्कोर होता जा रहा है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। खुश कर दिया बच्चों, खुश कर दिया, यस। Identify the correct pair of abiotic factors. तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट पेयर ऑफ ए बायोटिक फैक्टर्स पूछ रहा है, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स का पूछ रहा है मेरे बच्चों। प्लांट एंड एनिमल्स, वॉटर एंड फिश, एनिमल्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट, टेम्परेचर एंड सॉइल। फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल प्यार प्यार से क्लिक करो, सारा आंसर ठीक हो जाएगा। प्यार प्यार से क्लिक करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना, प्यार प्यार से क्लिक करो बस। 1K likes, yes Soumya, प्यार प्यार से धो डाला मेंटी को, नैन्सी वेरी नाइस। बच्चों आप लोगों ने नैन्सी की पोएम सुनी है, शी हैज रिटन वेरी ब्यूटिफुल पोएम ऑन द पेरेंट्स एंड आई हैव पर्सनली कमेंटेड बिकॉज शी हैज रिटन सच अ लवली पोएम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नैन्सी, सीरियसली। तो बच्चों यहाँ पे 93% बच्चों ने फिर से सही जवाब दिया, दैट इज टेम्परेचर एंड सॉइल। एबायोटिक फैक्टर्स मींस फिजिकल फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, हियर कम्स अ क्वेश्चन नंबर 19। मैम जो आंसर होता है आप उसे अलग टोन में पढ़ते हो, ओ शिल्पी समझ गई, ओ माई गॉड खुलासा हो गया आज तो, शिल्पी समझ गई, शिल्पी से बच के रहना पड़ेगा बॉस। Organisms that can survive in a wide range of temperature. बच्चों जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन। यस बच्चों, काफी बच्चे बहुत तेज हो गए यार, ये बच्चे नहीं ये बिल्कुल बवाल है सबके सब। यस, काफी तेज हो गए हैं, पकड़ लिया बच्चों ने, स्वैग पकड़ लिया, यस। सो व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? सही बात बच्चों, इट इज यूरी थर्मल। अगर ऑस्मोलारिटी के रिस्पेक्ट में पूछता, सेलिनिटी के रिस्पेक्ट में पूछता तो हेलाइन शब्द होता है। यूरी का मतलब यू नो लार्ज रेंज, ब्रॉड रेंज, बट स्टीनो का मतलब होता है नारो रेंज, ठीक है। यस yes. बुलाती है मगर जाने का नहीं, दीप पटेल कोई बुलाती भी है? यस वैष्णवी, यू शुड लिसन नैन्सी पोएम, शी इज वेरी गुड। Which of these is a conformer? बच्चे इनमें से कौन सा conformer है? Man, penguin, lizard, both B and C. अगर इस सवाल में की silly mistake तो हो जाएगी तुम लोगों की पिटाई। Yes.
आपको इसमें पॉइकुलर थर्म ढूंढ के निकालना है, पॉइकुलर थर्म ढूंढ के निकालना है बच्चों। मैम ट्राई टू से ऑल द ऑप्शन इन सेम टोन दिस टाइम। कशिश शर्मा वेरी स्मार्ट। यस मैं अब बिल्कुल भी टोन चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बच्चे समझ चुके हैं, मुझे कुछ नया जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। यस आई नीड टू फाइंड समथिंग न्यू। तो मुझे पता था, मुझे पता था यही होगा क्रिप्टोनियंस। मैंने कहा था बच्चों इसमें सिल्ली मिस्टेक की तो पक्का पिटाई। मतलब सुबह सुबह सोच के आते हो कि कितना ही अच्छा परफॉर्म कर ले एक क्वेश्चन में तो पक्का मैम से डांट सुन के ही जाएंगे सुबह सुबह वाली। तुम्हारी ब्रेकफास्ट के साथ का डेजर्ट बन गई है मेरी डांट। बच्चों पेंगुइन एप्टेनोडाइटिस बर्ड होती है। क्या होती है? बर्ड होती है ये। तो बच्चों जो बर्ड होती है वो होम्योथर्म में आती है। मैमल्स भी होम्योथर्म होते हैं तो वो रेगुलेटर्स हुए ना बच्चों। मैन एंड पेंगुइन कम्स अंडर द रेगुलेटर्स, बट जो लिजर्ड है वो पोइकुलोथर्म है। तो ये आती है किसमें? कन्फर्मर में। बट क्या कर सकते हैं बच्चों, कर दिए ना तुमने क्रिप्टोनियन वाले काम। चलो बेटा अब तो बैग बांध ही लो। एनिमल किंगडम लग रहा है, एक मेंटी को एनिमल किंगडम पे लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बाद। इतना अच्छा मेंटी जा रहा था यार, इतना अच्छा मेंटी, मतलब आज 90-90% आ रहा था और इतने आसान सवाल पे ऐसा काम किया तुमने, इतने आसान सवाल पे कुछ नहीं हो सकता। यस बच्चों यस लॉल हो गया सबका, कर दिया सबका लॉल। अपना लॉल तुमने खुद करा लिया। यस ओके टू यू तन्वी कृतिक डॉक्टर पंक्ति। ओके टीचर्स आर बेस्ट शिबानी पूजा गणेश बसंत एंड दिबंजन। ठीक है तो ये सारे बच्चे हमारे जो लीडर बोर्ड पे है बच्चों। बट ना 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 ये गलत था मैम, दिस इज चीटिंग। नो अनदर वे टू से इनडायरेक्ट वे टू टेल आंसर। ओके मनन सो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम। इन विच ऑफ दीज इंटरक्शन डू बोथ द स्पीशीज लूज एंड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। बेटा दोनों स्पीशीज की हार हो जाती है ना बच्चों। यस कई बार जिंदगी के ऐसे बच्चों पड़ाव आते हैं ना, जब हार में ही जीत होती है और जब हार के कोई जीतता है ना उसे ही कहते हैं बाजीगर। क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही कहते हैं बाजीगर। सो इज इट प्रिडेशन म्यूचुअलिज्म अमेंसलिज्म और कॉम्पिटिशन? हाँ जाएंगे मार जाएंगे, अभी सब मार जाएंगे उस क्वेश्चन के बाद। यस 937 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि बच्चों हाँ दोनों ही पार्टीज में याद है, दोनों ही स्पीशीज इसमें उनका नुकसान होता है बच्चों। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। तो हार में भी कई बार जीत छुपी होती है एंड दैट इज बच्चों बाजीगर, राइट। यस क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, हेयर कम्स अ क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिस्पॉन्स बाय ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जो रिस्पॉन्स नहीं है टूवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर्स? रिस्पॉन्स कन्फर्म सस्पेंड नन ऑफ दीज। तो वहां पे अडेप्टेशन से है बच्चों बेसिकली ये सवाल। अडेप्टेशन वाले पार्ट से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। जाने का है कोई तो बुलाए। ओम प्रकाश नहीं बेटा नहीं। यस तो यहां पे मुझे था बच्चों ये 340 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी समझाया था कि चार तरह के रिस्पॉन्स होते हैं बच्चों टूवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर। एक तो रिस्पॉन्स, दूसरा माइग्रेशन, कन्फर्मर्स, सस्पेंशन। सस्पेंशन लाइक यू कैन सी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ऑफ फंजी बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड सी डॉर्मेंसी। तो ये सस्पेंशन इज अगेन अ अडेप्टेशन टूवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, एनर्जी कैप्सूल्स नहीं आ रहे, एनर्जी कैप्सूल्स नहीं आ रहे, सही बात। 1K लाइक्स भी नहीं हो रहे। विच ऑफ दीज इज एन अडेप्टेशन ऑफ द कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। तो ये भी हमने कल किया था बच्चों, जो हमारे नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कैंगरू रैट्स रहते हैं उनका क्या बेसिकली अडेप्टेशन है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, यूरिनेट्स फ्रीक्वेंटली, एग्जिबिट माइग्रेशन, ऑल ऑफ दीज। सो कैसे अलग करता है बच्चों एक कैंगरू रैट को बाकी सारे रैट से? यस मैम आप रोज कहते हो मार्स जाने का,
पर कभी लेकर नहीं जाते बच्चों, खर्चा बहुत है। बच्चों अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं तुम्हें डेली प्रैक्टिस करा करा के कम करा रही हूँ, मतलब नंबर कम करा रही हूँ बच्चों, वरना बहुत खर्चा है यार वहां ले जाने का। यस तो बच्चों यहाँ पे फिर से क्रिप्टोनियन वाले काम किए, बट तुम्हें ना यहाँ पे बड़ा बेनिफिट मिल गया क्योंकि आंसर नहीं टिक था। इसका आंसर ए होगा बच्चों, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली ए। सिर्फ पहला आंसर होगा, मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ये जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है टू जनरेट मेटाबॉलिक वाटर। तो ये बच्चों यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर जनरेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली 60% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑल ऑफ दीज वोंट बी द राइट आंसर। यस सो हियर कम्स द नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन पैरासिटिज्म, प्रिडेशन एंड कमेंसलिज्म इज दैट इन ऑल ऑफ देम बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिटेड, बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, इंटरैक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। हाँ मीशा कंबोज बिल्कुल सही, ए का हो गया रे बाबा, वेरी गुड। लॉ लकी मी, मेघना का देख रहे हो। यस तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर दो। अरे इसके बिना तो शगुन होता ही नहीं है, ये तो सेशन का बिल्कुल शगुन हो गया बच्चों कि एक 50-50 क्रैकजैक मूवमेंट नहीं आया तो सुबह होती ही नहीं हमारी, है ना। तुम लोगों ने सोचा कि अरे यार एक भी अभी तक क्रैकजैक मूवमेंट नहीं आया, दिन थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो ये देखो तुम पकड़ो इन बच्चों को। तो बच्चों द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन पैरासिटिज्म, प्रिडेशन एंड कमेंसलिज्म इज दैट। तो पैरासिटिज्म देखते हैं, इट इज नेगेटिव जीरो रिलेशनशिप, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। प्रिडेशन इज ऑल्सो नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप। कमेंसलिज्म इज पॉजिटिव जीरो रिलेशनशिप। तो इंटरैक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर, ये बिल्कुल सही है। इन सब में ये बहुत क्लोज रहते हैं, जैसे पैरासिटिज्म में तो आपको पता है ये पैरासाइट होस्ट के अंदर ही रहता है, कमेंसलिज्म में भी ये होता है, प्रिडेशन में भी। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, बच्चों कमेंसलिज्म में तो नहीं होता ये, ये तो नहीं होता कमेंसलिज्म में। कमेंसलिज्म इज पॉजिटिव जीरो रिलेशनशिप। तो ये बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक आप लोग करते हुए बच्चों, और अब शायद तुम्हारी सुबह अच्छी जाएगी क्योंकि एक तो हो ही गया 50-50 क्रैकजैक मूवमेंट, है ना। यस तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे बच्चों। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडो पैरासाइट इज, कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से एंडो पैरासाइट का बच्चों? टिक्स, लाइस, कस्क्यूटा, नन ऑफ दीज। So what is an example of endoparasite? Ticks, lice, cuscuta, none of these. Dun, 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 dun. बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऑप्शन एक्सक्लूड करके आंसर क्लिक किया, वेरी गुड खुशी। यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए हर बच्चे को। Ticks, lice, cuscuta, none of these बच्चों। बच्चों अमर बेल कब से अंदर रहने लग गई होस्ट के, बताना जरा कौन सी अमर बेल है ये। हाँ कौन सी अमर बेल की बात करो, कौन सी कस्क्यूटा की बात करो बच्चों? यस कस्क्यूटा बच्चों 237 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ये बाहर प्रेजेंट होता है। लाइस जू, बेटा जू सर के ऊपर होती है बच्चों, सर के अंदर नहीं होती, जान दो ना वो जू बच्चों, जू हाँ जो खून चूसती है वही वाली बच्चों, वही वाली, ठीक है। टिक्स, टिक्स भी वैसे ही होते बच्चों, दे आर ऑल्सो एंडो पैरासाइट। तो ये सारे बच्चों ने किए सिली मिस्टेक, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो कई बार ऐसे ऑप्शन भी ठीक हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड। हाँ लोकतंत्र तो आएगा। So we have to you Tanvi, Shibani, teachers are best, Ganesh, Harshit, Ankur, Krutik, Pooja, Zain, Verma and Prashansa. Very good bacho. Now we have finally the last set of question with us. Last set of question. Ma'am, kisi ne seed kha liya hoga aur plant andar grow ho gaya hoga. Aray baap re, ye toh bachpan ki baat te saamne aagay. Aray beta, dekh lo kitni pyari slide aayi hai. The given equation represents. Lo, dekh lo achche se. dn by dt equals to rn k minus n divided by k. This equation is represented as logistic growth, exponential growth, constant growth, declining growth. फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों,
फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं क्लियर हो गई बच्चों? ऐसा ऐसा मैं साफ दिख रही हूँ तुम लोगों को? बताओ बताओ बताओ, खुशी आ जाएगी मेरे चेहरे पे। यस बच्चों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ, नॉट एक्सपोनेंशियल। बच्चों एनसीईआरटी निकालो और देखो, एनसीईआरटी निकालो और देखो बच्चों। यस, लॉजिस्टिक इज द राइट आंसर, एक्सपोनेंशियल इज द रॉन्ग आंसर। लॉजिस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस शेप्ड ग्राफ, जिसमें द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट? यस। ओ मैं फोकस हो गई, फोकस पे आ गई। ओ माई गॉड, तो कैसी लग रही हूं मैं फिर? यस। तो बच्चों हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दीज केमिकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स? तो जो बहुत ज्यादा खाते हैं बच्चों, क्या पेड़ पौधे, क्या खाते हैं बच्चों? पेड़ पौधे। उस वो ऐसे कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कि उन्हें ना खा पाए ये ग्रेजर्स? ओपियम, कैफीन, कॉल्चिसिन, ए एंड बी। यस बच्चों, ओपियम, कैफीन, कॉल्चिसिन, ए एंड बी। सो लेट्स सी द राइट आंसर। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रियली गुड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू कल्याणी। ओके 764 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों, ए एंड बी, ओपियम। बच्चों सोचो तो जरा, अगर किसी ग्रेजर ने, मान लो कि किसी ग्रेजर ने ओपियम खा लिया तो क्या होगा बच्चों? खुद ही सोचो, वो थोड़ा सा खा के बच्चों आराम से जिंदगी में खुश, कैफीन खा के वो और एनर्जेटिक फील करेगा, है ना बच्चों? यस। और कॉल्चिसिन, बच्चों कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो प्लांट्स नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि अगर कॉल्चिसिन प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जो सेल है वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें सोचा करो यार बच्चों, सोचो, जस्ट इमेजिन, एक गाय गई, उसने ओपियम खा लिया, यू नो, किसी भी एनिमल ने खा लिया, डियर ने खा लिया, क्या होगा बच्चों? मस्त, वो अलग ही मस्त हो जाएगा। यस, सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। An example of parasitism in which a parasitic bird lays eggs in its host nest, letting it incubate them, is called ectoparasitism, endoparasitism, gametic parasitism, or brood parasitism. Yes. Thank you, Kalyani. Ma'am, मेरा एक क्वेस्ट चंदा आता है तो क्या होता है? बेटा मेरे को सवाल ही समझ नहीं आया। Yes. तो बच्चों क्या कहते हैं जब कोयल, कुकू, यूडिमास, क्रो, कॉर्वस के नेस्ट में अपने अंडे वहां पे रख के चली जाती है, तो उस तरह के पैरासिटिज्म को क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। 83% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। लास्ट क्लास में मैंने ये समझाया भी था इस चैप्टर में कि व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 1K लाइक्स हो गए हमारे? यस, नो, 1K लाइक्स, कम ऑन बच्चों। माइकोराइजा आर एन एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लाज, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। तो जो माइकोराइजा होते हैं बच्चों वो किसकी एग्जाम्पल है? विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? यस बच्चों, ईशा, ब्लैक होल बर्ड, उदय, नम्रता, वैष्णवी, मालविका, बसंत, श्रीजा, खुशी, संस्कृति। म्यूचुअलिज्म, दोनों को ही फायदा होता है बच्चों, प्लांट को भी फायदा होता है और ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होता है, एब्सोल्यूटली। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉर्निंग 9 o'clock सेशन। इन इकोलॉजिकल टर्म्स एन एग्जाम्पल फॉर प्रेडेशन कुड बी टाइगर ईटिंग अ डियर, स्पैरो ईटिंग अ सीड, काउ ईटिंग ग्रास, ऑल ऑफ दीज। इकोलॉजिकल टर्म में बच्चों प्रिडेशन का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? क्या ये सारे हो सकते हैं? यू नीड टू थिंक एंड टेल मी। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। कम ऑन बच्चों एवरीबडी, 1K लाइक्स हो गए बच्चों, कंग्रेचुलेशन। मिस क्लिक हो गया। मार्स इज फ्री फ्रॉम कोरोना, लेट्स गो। तो बच्चों द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। टाइगर ईटिंग अ डियर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन, राइट?
स्पैरो ईटिंग अ सीड, यस ठीक है. एंड देन काउ ईटिंग ग्रास इज ऑल्सो अ प्रेडेटर. एक लॉजिकल टर्म से मैं पूछ रहा था बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज. तो बच्चों अब चलते हैं हम लीडर बोर्ड पे. आज के बहुत अच्छा मेंटी गया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैटिस्फाइड. बच्चों कुछ क्वेश्चंस में आपने किया अलग ही काम, बट ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस बच्चों. सो टू यू, हमारा यहाँ पे टॉप कर गया ठीक है. बट मैं बाकी बच्चों को भी नाम लेना चाहूंगी जो लीडर बोर्ड पे है. तन्वी, वी हैव टीचर्स अ बेस्ट, शिब्बानी, गणेश, प्रशंसा, वी हैव हिमांशी शेरावत, अक ग्रेटी, ओ हिमांशी इज ग्रेटी, वन पंच मैन, हर्षित, एंड वी हैव डियोरा. ओके तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट इट वॉज अ लवली लवली सेशन बच्चों. बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया. आज जेनेटिक्स शुरू हो रहा है बच्चों. मैं आपको बता दूँ, जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप जेनेटिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फुल डिटेल्स में, तो आज 10:30 के सेशन में मैं सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग द जेनेटिक्स. बहुत शुरू से मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगती हूँ, अपने जूनियर्स को बोलो कि मैम मैं स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स. सो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू यू नो मेंशन मी इन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज, एंड आई विल डेफिनेटली मेंशन यू इन माय स्टोरीज, सो वी कैन हैव दिस पॉजिटिव वर्ड टूवर्ड्स आवर स्टडीज बच्चों. बहुत अच्छा लगेगा मुझे इफ यू पीपल आर रेडी टू हेल्प विद मी योर जूनियर्स. तो जेनेटिक्स मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा टफ भी लगता है बच्चों को. सो आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज, बट आई नीड योर लिटिल सपोर्ट. इफ यू कैन यू नो शेयर योर स्टोरीज, टैग मी, आई विल डेफिनेटली टैग यू एज वेल. तो यहाँ पे क्या करते हैं, म्यूचुअलिज्म, राइट बच्चों. तो थोड़ा सा करो हेल्प मेरी, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ जेनेटिक्स. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू चैप्टर. आज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होने वाली है. आई रियली नीड योर सपोर्ट बच्चों. तुम्हारे सपोर्ट के बिना जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम नथिंग विदाउट माई स्टूडेंट्स. यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई मोटिवेशन, यू आर माई एनर्जी कैप्सूल्स, यू आर माई हैप्पी कैप्सूल्स, यू आर माई स्माइलिंग कैप्सूल्स, यू आर माई कैप्सूल्स. सो बच्चो, सो सी आर 10:30, आई बी वेटिंग फॉर यू पीपल विद अनदर अमेजिंग सेशन विद जी स्क्वायर. एंड आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है, तो अगर हम सबको देखना है अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स को एक स्क्रीन पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द सेशन एट 1:30. ठीक है बच्चों, जैसे हम आए एनर्जी कैप्सूल भर जाने चाहिए बॉस किस पे, चैट बॉक्स में. तो बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, वेटिंग फॉर द इंस्टा स्टोरीज, बाय बाय.